दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्यवेद में स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय हम देख रहे हैं पर्याय शब्दों का सूक्ष्मांतर, यानी कि दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग हमेशा मिस्टेक कर देते हैं, उस चीज़ को कोई दूसरी चीज़ रख देते हैं, उस शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रख देते हैं, मगर आपको कहीं ना कहीं ये नहीं पता कि उसके अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी वीडियो हम बना चुके हैं, अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगे इसके सारे वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों घर, मकान, कुटी और प्रसाद में क्या अंतर होता है। दोस्तों इन चारों में अंतर क्या है, लोग घर को मकान समझ बैठते हैं। ठीक है, थोड़ा आपको कुटी और प्रसाद में तो थोड़ा बहुत अंतर पता होगा, मगर घर और मकान में शायद ही अंतर आपको पता हो। तो चलिए इनके बारे में हम देखते हैं थोड़ा डिटेल से। देखिए घर क्या होता है दोस्तों, घर क्या होता है कि साधारणतया मनुष्य अपने रहने के लिए जो निर्माण करवाता है उसे क्या बोलते हैं, घर बोलते हैं दोस्तों। जो जहाँ पे लोग रहते हैं ठीक, वही क्या है दोस्तों, घर है। ठीक है, होम है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा कि जहाँ पर हम रहते हैं, जैसे हमारा निवास स्थान है, यहाँ पर हमने बनवाया है अपने रायबरेली में, तो दोस्तों ये हमारा घर है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि क्या, मेरे घर के सामने मंदिर है, ठीक है, तो ये घर क्या है अपना, जहां पे रह रहे हैं दोस्तों वही क्या है, घर है, जो रहने के लिए बनवाया गया। ठीक है, अब देखिए मकान क्या होता है, समझिएगा मकान। देखिए मकान क्या होता है, ईंट गारों का निर्माण जिसमें कोई रह ना रहा हो दोस्तों, वो मकान क्या है, मेरा मकान खाली पड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों जिसमें रहने लगेंगे घर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे सरकार ने गरीबों को पक्के मकान बनवाकर देने का वादा किया है, ठीक है, तो ये समझिएगा, तो मकान क्या होता है, ईंट गारों से बना हुआ होता है, जिसमें कोई रहना रहा हो दोस्तों वो मकान कहलाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों कुटी क्या होता है। कुटी आपको पता होगा कि तपस्वी साधु अपने रहने के लिए जो स्थान बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कुटी बोलते हैं। जैसे वाल्मीकि ऋषि अपने कुटी में विश्राम करते थे दोस्तों, तो कुटी क्या होता है, जहां पर साधु ऋषि मुनि दोस्तों एक बना करके ठीक कच्चे घास फूस का दोस्तों, उसको हम कुटी बोलते हैं और वहीं पर वो विश्राम करते थे। अब देखिए प्रासाद क्या होता है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे करेंगे कि देखिए ये क्या है, शब्दयुग्म है प्रसाद और प्रासाद। देखिए प्रसाद मीन्स क्या होता है, आप लोग प्रसाद लेने आते हैं ना, कहीं कोई पूजा होता है, अर्चना होता है, तो आप प्रसाद लेने आते हैं ना, तो प्रसाद का मतलब क्या होता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखिए प्रासाद क्या होता है, प्रासाद मीन्स होता है भवन, राजा का महल, है ना, तो याद रखेंगे अगर कहीं आता है प्रसाद और प्रसाद, तो प्रासाद मीन्स क्या होता है, राजा का महल, और प्रसाद मीन्स आपको बताना है जो आप लोग लेने जाते हैं। ठीक है, देखिए राजा महाराजा का भवन प्रासाद कहलाता है। ठीक, जो राजा महाराजा का भवन होता है उसको हम प्रासाद बोलते हैं दोस्तों। देखिए राजप्रसाद में सेवकों की आवाजाही लगी रहती है दोस्तों, तो ये चीज समझ गए होंगे कि प्रसाद क्या होता है, और प्रसाद आपको बताना है कि क्या होता है प्रसाद का मतलब दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। और देखिए अगर आप हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगी महामैराथन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां हमने बहुत सारी वीडियो मैराथन बना रखी। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।